बात नहीं, जी रिकॉर्ड जी जी सही है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोग खाने के कंफर्म करके बताता बताता हूँ कि किस तरह से हम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर ये अपना वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा तो तब तक हमारा वो बनेगी नहीं? नहीं नहीं बन सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बन सकती है। अच्छा सर, सर सर एक और बात, जी, सर हमें अपना फाइवर पे नंबर डालना जरूरी है, फोन नंबर? डाल दें तो अच्छा है, थोड़ा सा वेरीफाइड हो जाता है। अगर नहीं डालें तो कोई इशू नहीं, ईमेल एड्रेस जरूर डालना जरूरी है। अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा अब जो है हम फाइवर की स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आप लोग? जी सर। ओके अच्छा, यहाँ पर जो है तीन स्टेप्स आपको नजर आते हैं, वरना जो है ये देखें यहाँ पर आ रहा है वॉच फ्री कोर्स, ये नजर आ रहा है आपको? जी। ये एक ऑप्शन तो यहाँ से आ जाएगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। दूसरा जो है ये ग्रोथ एंड मार्केटिंग है, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है फाइवर लर्न। सही है, तो दो जगह से आप इसमें जा सकते हैं और ये कोर्स मैं चाहता हूँ कि सब कर लें। जैसे ही आप फाइवर लर्न पे जाते हैं तो ये एक और विंडो खुल जाएगी और यहाँ से भी अगर आप क्लिक करेंगे वॉच फ्री कोर्स तो ये भी एक विंडो खुल जाएगी। मैं दोनों कोर्स वही है, एक ही है, अलग अलग नहीं है, लेकिन मैं तरीके बता रहा हूँ कि किस तरह आपको वहां जाना है। सही है, तो ये आ गया कोर्स आपका ऑनलाइन फ्रीलांसिंग इनिशियल्स बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांस सेलर फाइवर सेलर, ये फ्री है और ये कोर्स सब कर लें। सही है, वॉच कोर्स पे आप जाएंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। सही, तो ये अगर कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि आप जो है ये आगे फाइवर पूरी अच्छी तरह और समझ पाएंगे किस तरह। तकरीबन ये 1 घंटे का कोर्स है, क्विज़ेस हैं इसमें और जो है ये आप कर सकते हैं। सही, तो ये एक आपको बताना था कि ये कोर्स सब कर लें ताकि आपको एक बैज भी मिल जाएगा कि ये कोर्स आपने किया हुआ है। दूसरा तरीका फाइवर लर्न था, इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं लेकिन उसमें आखिर में आपको ये वाला फ्री वाला कोर्स मिल जाएगा, बाकी सारे पैसों के हैं। अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन पैसे खर्च होंगे। और ये वाला जो है वो आपको फ्री मिल जाएगा, मैं दिखा भी देता हूँ, सबसे नीचे होगा ये रहा। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये वाला कोर्स कर लीजिए। अब ये देखिए मेरे पास ये बैज आ रहा है, इसका मतलब ये मैंने किया हुआ है। सही, तो आपके पास इस तरह का बैज आ जाएगा कि आपने किया हुआ है। सर नाम रिपीट कीजिए, फाइवर लर्न के क्या नाम बता रहे थे आप? ऑनलाइन फ्रीलांसिंग इनिशियल्स बी अ सक्सेसफुल फाइवर सेलर। सर्टिफिकेट भी लेने आप फिट भी और मैं फिट जा ठीक है, ये हो जाएगा काम जिला के आपके पास। सही है, ये वाला कोर्स है। सही, अच्छा अब ये हो गया आपका कि किस तरह से आपको करना है। अच्छा अब आ जाते हैं फेसबुक पे। अगेन मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब आपको जो है पब्लिक होना है और चीजें वेरीफाई करनी है, बतानी है कि जी हम फ्रीलांसिंग करते हैं। अगेन सब अपने अपने जो है वो कवर फोटो चेंज कर लें प्रोफाइल पे, जैसे यहाँ मैं हाथ हिला रहा हूँ इस तरह, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जी आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई एम अ लोगो मेकर, आई एम अ विजिटिंग कार्ड डिजाइनर और अलग अलग जो भी आपका, आई एम एफिलिएट मार्केटर, वहां लिखें कॉन्टेक्ट में अपना नंबर लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, तो आपका एक कवर फोटो होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आप हैं कौन। अगेन मैंने सबसे तस्वीर का कहा था कि एक प्रोफेशनल तस्वीर लगा लें यहाँ पर ताकि आपको लोग फॉलो करें, लोग आपको जाने के, ठीक है, तो आपके ये फॉलोअर बढ़ना शुरू करते हैं। अभी मेरे ये मैंने सिर्फ तकरीबन 1.5 साल या साल भर में मेरे 18,000 फॉलोअर हो गए इस चीज। सही, इंट्रो आपका होना चाहिए ये, इसके अलावा जो है वो आपका डिजिटल ये प्रोफाइल मैनेजमेंट, आप क्या काम करते हैं, ये सब आना चाहिए कि रेहान फाउंडेशन पेज ओनर्स, आपके बिजनेस क्या क्या है, पुराना क्या है, ये सब आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अबाउट में आता है,
तो ये सब जो है ये आपको सेट करना है, मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह सेट होता है। और अब ये मेरा आ रहा है क्या, ओवरव्यू आ रहा है यहाँ पर वर्क एंड एजुकेशन में। अगर मैं जाऊँ तो ये देखें यहाँ पर ये आ रहा है मैं क्या क्या काम कर चुका हूँ। एजुकेशन में आ रहा है मेरा कि ये कर चुका हूँ, हाई स्कूल आ रहा है मेरा, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। उसके बाद मैं कहाँ रहता हूँ, कराची में रहता हूँ, ये आ रहा है। सही है, मेरी बेसिक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये देखें ये आ रहा है मेरे क्या है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, मेरी वेबसाइट क्या है, मेरे हैंडल्स क्या है। सही, ये सब चीजें आ रही हैं। उसके बाद आपका फैमिली रिलेशनशिप, आपके पास जो जो आपके कजन है ये सब आ रहा है। सही है, उसके बाद डिटेल अबाउट यू, ये आप अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन दे सकते हैं, अपने बारे में कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये है, अपना निकनेम बता सकते हैं इसको, कुछ कोड्स दे सकते हैं, ब्लड डोनेशन दे सकते हैं, लाइफ इवेंट्स अगर आप कोई कर रहे हैं तो ये इसको बता सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको एडिट करनी है, यहाँ से एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा और एडिट आप सारी चीजें कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल पिक हो जाएगी, अपना अवतार बना लें, सही है कि ये एक बन जाएगा, अपना बायो चेंज करें, यहाँ से सारी कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, अपने हैंडल्स डालें सारे उसको, अपनी हॉबीज डालें, हॉबीज का मैंने पहले ही बताया था कि क्या फीचर फोटोज डालें। अगर आपको लगता है कि आपकी जो है कलेक्शन ऐसी है कि आप अच्छे लोगों से मिल चुके हैं या वैसे हैं तो आप फीचर फोटोज डालें। अब ये देखें मेरी डली हुई है, ये निशान भाई के साथ है, अरुण भाई के साथ, ईशान भाई के साथ, आज़ाद भाई के साथ, इमरान दीना के साथ, डेनिस के साथ, तो ये फ्यूचर फोटोज मुझे लगती है तो मैंने ये डाल दी यहाँ पर। तो इस तरह आप भी डाल सकते हैं, सही है। तो इस तरह से ये चीजें जरूर एडिट कर लें ताकि आपको एक वो एज मिल जाता है कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो जाती है। सही है, सेकेंडली हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिंक्डइन पे। फेसबुक आपको ठीक करना है, फिर आ जाती है बारी लिंक्डइन की। लिंक्डइन पे आप सबकी प्रोफाइल लाजमी है, ये कंपलसरी चीज है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल वेबसाइट है और आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट मिलते हैं अप्रोचेबल। अच्छा ये खुल जाए तो फिर मैं एक और भी चीज आपको सिखा देता हूँ। आज सिर्फ टूल सिखा रहा हूँ कि आपको टूल्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं वो किस तरह से काम करनी है, आपको विजिबल किस तरह से होना है, आपको किस तरह से चीजें करनी है। सर मैंने अभी तक जी बोले सर मैंने अभी तक नहीं बनाई है लिंक्डइन की आईडी। ये जरूर बनाएं, सारे बनाएं, अभी तक मैंने नहीं बनाई है लिंक्डइन की आईडी। हाँ लेकिन बना लें, ओके जरूरी है। सही, और पेज बना हुआ है सर, बना हुआ है मगर प्रोफाइल नहीं। लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ना वो आपको बिजनेस करने में आसानी देती है, आप अप्रोचेबल हो जाते हैं बहुत सारे लोगों से। मैं आपको भी दिखाता हूँ लिंक्डइन का कमाल भी दिखा देता हूँ कि लिंक्डइन आपको किस तरह हेल्प करती है। क्यों बनाने को कह रहा हूँ, क्या आपको फायदा देती है लिंक्डइन, ये नेट इंटरनेट थोड़ा सा सही हो जाए तो बना तो लिया था सारा कुछ लेकिन समझ में ही नहीं आया कि उसको ऑपरेट कैसा करते हैं, तो वो फिर वहीं छोड़ दिया लिंक्डइन की। बस ये कि वो आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं उस पे, लेकिन वो रिप्लाई करना नहीं आ रहा, इतना मुश्किल नहीं। मैं चले मैं भी उसमें शायद वो टेलीग्राम का है, रिप्लाई में शायद टेलीग्राम का उसमें आता है ना, क्या हाँ। आता है उसमें नहीं, टेलीग्राम एक अलग ऑप्शन है, रॉकेट सा बना हो नहीं, टेलीग्राम जो है वो दूसरा एक ऐप है, वो अलग है, वो भी बता दूंगा आप लोगों को, वो कहीं कहीं जगह यूज हो जाती है। जैसे तो ये भी बताइएगा लिंक्डइन में जो मैसेज आ रहे हैं ना, तो वो रिप्लाई मांगते हैं, तो वो रिप्लाई करना भी नहीं आ रहा ना। मैं दिखा देता हूँ, मैं अपने इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ उसका मैसेज। विकी मुझे थोड़ा पानी दे दीजिएगा, मुझे
जैसे फेसबुक पे तो हम अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मैसेंजर के थ्रू हो जाती है। सही। अच्छा अब ये देखिए कि ये मेरा लिंक्डइन का पेज है, सही है, और ये मेरी प्रोफाइल है। अब देखें अगर मैं दिन के हिसाब से बताऊं ना, हु विजिटेड योर प्रोफाइल, कम से कम 129 जो है मेरी प्रोफाइल देखते हैं लोग डेली के हिसाब से, और इंप्रेशन मेरे पास 209 आते हैं डेली के हिसाब से। सही, ये आपकी प्रोफाइल इस तरह से दिखती है। ये मेरी प्रोफाइल है, मुझे कम से कम यहाँ पर जो है 2000 लोग फॉलो करते हैं, और मैं अगर अपने कनेक्शंस की बात करूं तो ये भी तकरीबन अच्छा। सर अपनी ना फुल प्रोफाइल लगाते हुए डर लगता है बहुत ज्यादा कि कहीं कोई गलत यूज में ना ले ले। देखें आपको जो है ना वो कॉपीराइट ऑप्शन मिलता है कि आप जब प्लीज अपनी तस्वीर लगाते हैं प्रोफाइल पे, तो ना उसका कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है ना उसको कोई कॉपी कर सकता है। सही है, तो वो प्रोटेक्टेड होती है, वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, वो ऑप्शन में जाके आता है, वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आ गई। अच्छा अब इसमें काम कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। आप यहाँ जाएंगे, सही है, गूगल का नाम सुना है सबने? जी सर। अच्छा गूगल लिखा, ये आ गई गूगल इंटरनेट कंपनी, इस पे क्लिक किया, ये आप आ गए गूगल पे, ये आपने गूगल खोल लिया। अब ये देखें ये आप गूगल के पेज पर हैं, सही है, और आपने यहाँ देखा कि जी ये गूगल है, और अब यहाँ पर जॉब्स आती हैं, यहाँ आप क्लिक किया, आप ये देखें गूगल पे कितनी 5300 जॉब ओपनिंग है ये लिखी हुई सारी, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन पीपल पे जाएंगे, पीपल पे क्लिक करेंगे, सही है, जो जो गूगल के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको आना शुरू हो जाएंगे कि कितने लोग काम कर रहे हैं गूगल में। सही है, ये देखिए सही है, और ये ग्राफ शो कर रहा है इनका कि लोगों का कितने लोग यूनाइटेड स्टेट्स में, जी इतने लोग हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे हैं गूगल के। ये देखें प्रोजेक्ट मैनेजर है गूगल के अंदर, सही है, ये जो हैं ये भी हैं प्राइवेट इक्विटी है गूगल के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गूगल के अंदर। अभी इनसे सर यहाँ तो सारे टॉप क्लास के लोग हैं, मैं देखती हूँ ना सारे हाई फाई हैं, हम कहाँ एडजस्ट होंगे इसमें, हम तो कुछ भी नहीं है। दोस्ती तो कर सकते हैं। अब ये एना इनसे इनसे मैंने कनेक्ट कर लिया, देखें अब मैं सेंड कर रहा हूँ, ये एड अ नोट किया दिस इज सर मैं तो जुटी रहती हूँ लिंक्डइन में, लेकिन वो जो है जब इनकी पोस्टें देखती हूँ ना तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती, तो इनका हम क्या इंट्रोडक्शन कराएंगे अपना, हम तो ये देखे ना मैं गूगल में ये साहब है प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैं इनको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, देखे अभी मैं भेज रहा हूँ प्रोफाइल। सर वो जॉब का जो वहाँ से आता है ना वो 1 month जो फ्री देते हैं तो उसका क्या मतलब? नहीं वो नहीं, वो अभी नहीं ले, वो अभी आपके काम का नहीं है, मैंने भी नहीं लिया। अच्छा ठीक है, वो आगे जाके मतलब कब आपको यूज कर सकते हैं, जब आपके कनेक्शंस बहुत ज्यादा हो, जब यूज होता हो, अभी आगे ठीक है। Thank you.
तो इसके लिंक्डइन में जो प्रोफाइल में अगर हम अपना इंट्रोडक्शन सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर ही लिख सकते हैं या सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी कि हम फ्लायर ये बना सकते हैं, थंबनेल, ये सब पूरी डिटेल देनी पड़ेगी या सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर? ग्राफिक डिजाइनर भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने लिखा है इसको, हाय दिस इज शाहरुख कारोबार वाला, आई वेंट थ्रू योर प्रोफाइल एंड फाइंड इट प्रोफेशनल अट्रैक्टिव। सही। एंड professional, I want to connect with you, to connect with the people like you will increase my wisdom. और ये send कर दिया इनको। अब मैंने इनको invitation भेज दिया, अब देखें ये accept भी कर लेंगे। सही, तो अब ये जाकिर खान है, इनको फॉलो कर सकते हैं आप। ये है राधा कृष्णा, इनको आप ऐड कर सकते हैं। ये सब गूगल के वो हैं जिनको आप बहुत आसानी से जो है ना ऐड कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, फिर आपकी बातचीत हो जाएगी और लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, बाहर के मुल्कों में इतना इशू नहीं होता। अच्छा, अब कोई और कंपनी? जी सर, हमें पता नहीं था ना, तो मैंने तो ऐड ही नहीं किया। मेरे पास तो बहुत आते हैं मैसेज ना लिंक्डइन पे, तो लेकिन वो डर की वजह से किया ही नहीं कि अभी कर सारी पोस्टें हाई फाई है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आपने जो दिखाए ना पीपल की वो जो, उसमें कुछ में लिखा हुआ था फॉलो करें, कुछ में लिखा था कनेक्ट करें, तो डिफरेंस बता देंगे? कनेक्ट में मतलब कि आप उनकी परमिशन लेके आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ऐसे ही? नहीं, कनेक्ट जैसे फेसबुक में फ्रेंड होता है और फॉलोअर होता है, फॉलोअर हर कोई बन सकता है और फ्रेंड ही होता है, तो इसमें कनेक्ट का मतलब फ्रेंड है। अच्छा, तो फिर वो हमारे माय नेटवर्क में आता है? जी नेटवर्क में आता है। जैसे ये देखें यहाँ पर, मैं दोबारा जाता हूँ दिखाता हूँ आपको। जैसे सर मैंने अभी आपको रिक्वेस्ट भेजी ना, तो आप मुझे एक्सेप्ट करें अभी? ये सही है, बिजनेसमैन सही। अब देखिए ये मेरे फॉलोअर्स हैं, ये मेरे कनेक्शंस हैं, नजर आ रहे हैं आपको? ठीक है जी जी, ये लोग इतने मुझे फॉलो करते हैं, ये मेरे कनेक्शन हैं, तो इस तरह से आ रहा होता है। अच्छा, और कहाँ भेजिए, मेरे पास नहीं आई है, वरना यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता। अच्छा आ गया, 21 नोटिफिकेशन आएगा, सॉरी। तो मैं अभी आयशा हसन के नाम से आई हूँ। अभी तक तो नहीं आई। मैं फिर भेजती हूँ। नहीं नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है नेट की वजह से आ रही हो। अभी आप क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ नेटवर्क होता है ना आपका, ये माय नेटवर्क, ये वाला ऑप्शन दिखा रहे हैं, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका नेटवर्क नजर आता है। सर ये जो लिखा होता है ना थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, ये बताएंगे क्या होता है, मतलब कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? देखें आयशा, जैसे आपके थर्ड आ रहा है। जी मैं बताता हूँ, आयशा और शाहरुख जो हैं वो फर्स्ट कनेक्शन है, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं। सही है, तो हम अगर इस पे हमारा नंबर एक दूसरे के पास होते, हम फेसबुक पे ऐड होते, तो वो फर्स्ट कनेक्शन दिखाता। अब आयशा जो है वो कौसर को जानती है और मैं भी कौसर को जानता हूँ, लेकिन आयशा और मैं एक दूसरे को नहीं जानते, तो हम सेकंड कनेक्शन हो, हम दोनों के बीच में कौसर कॉमन है। अब कौसर जो है वो हीरा को जानती है, हीरा कौसर को जानती है, कौसर जो है हम दोनों को मिलवा रही है और हीरा के थ्रू मिल रहे हैं, तो हम थर्ड कनेक्शन है। सही है, ये जाल बनाते हैं। थैंक यू। तो ये आपको पता चल जाएगा कितने कनेक्शन पे। आप देखें ये टोटल मेरे कनेक्शन जो है वो 2000 इसमें है, कॉन्टेक्ट जो है मेरे 4600 हैं, और ये मेरे फॉलोअर्स, सारी चीजें आ रही है। अच्छा, अब जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है वो यहाँ से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ये मुझे अलग अलग बताता है। मैंने एकर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो ये बोलता है एकर यूनिवर्सिटी के लोग ये रहे, आप यहाँ से दोस्ती कर सकते हैं। तो ये फिर ये आपको बता रहा होता है एकर यूनिवर्सिटी जो आप काम करते हैं, सिमिलर रोल ये लोग भी यही काम कर रहे हैं, तो ये आपको दिखा रहा होता है कि आप ये इनको भी ऐड कर सकते हैं। सही है, अब इसके बाद ये दिखाता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग हैं, इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये फिर ये आपको दिखाता है कि देखें ये एचआर के कुछ लोग हैं, आप इनको भी कनेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान के, इनको भी कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स के हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग आपको दिखा रहा होता है। अच्छा, अब इसमें कोई कनेक्शन आता है तो वो यहीं आएगा, लेकिन नो पेंडिंग रिक्वेस्ट आ रहा है, इसका मतलब आपका कनेक्शन नहीं आया मेरे पास, दोबारा रिक्वेस्ट भेजें। ठीक है, जब तक मैं आपको कोई कंपनी और बताएं जिसमें आपको जरा दोस्ती करनी हो वहां के लोगों से, कोई कंपनी बताएं। अच्छा, हबीब ऑयल का नाम सुना है किसी ने? हेलो जी, सुन,
ये देखें हबीब ऑयल कंपनी है, अब इनको भी तो डेली के हिसाब से वो चाहिए होते हैं ना, पोस्टर्स चाहिए होते हैं, ये चाहिए होते हैं। अब ये देखें ये हबीब ऑयल वाले आ गए, इनकी देखें ये लोग भी आ गए, यहाँ की एचआर मैनेजर जो है ये देखें, इससे मैंने दोस्ती कर ली, कनेक्ट कर लिया इसको, ये अब इनकी मार्केटिंग मैनेजर है, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया, अब ये मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में आ रहे हैं, ये अब मेरे कॉन्टेक्ट बन रहे हैं, एचआर वाले को मैंने ऐड कर लिया हबीब ऑयल के। अब अगर मुझे हबीब ऑयल की नौकरी चाहिए होगी तो मैं जाऊंगा इसके पेज पे, यहाँ के लोगों को भी ऐड कर लिया मेरे पास, ताकि वो मुझे देखना शुरू कर देंगे मैं क्या काम करता हूँ, इसको ही फॉलो कर लिया और यहाँ जाके जॉब ढूंढ ली, अगर जॉब है, अभी तो कोई जॉब नहीं है हबीब में, लेकिन लोग होंगे हबीब के, सही, ये देखें लोग आना शुरू हो गए, सही है। तो इस तरह से होता है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल डालडा पे चले जाते हैं, सही 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 सही, अब मार्केटिंग मैनेजर को मैंने ऐड किया, देखें उसके हबीब के, अब अगर मार्केटिंग मैनेजर को आप मैसेज कर दें कि जी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और अगर कोई काम हो, ये मेरे को सैंपल्स हैं तो मुझे काम दीजिएगा, तो इस तरह से आपके कॉन्टेक्ट बनना शुरू हो जाते हैं लिंक्डइन पे, बहुत ईजी है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, नौकरी ढूंढी कौन सी है, कोई नौकरी नहीं है, ओके वापस डालडा के होम पे, अब ये बता रहा है कि 224 लोग जो है वो कराची में काम करते हैं डालडा के, ओके हम देख लेते हैं 224 कौन है, अब ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से 71 लोग हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से इतने हैं, तो अब अगर कराची में बैठे हुए या पंजाब में बैठे हुए तो आप कनेक्शन भी ढूंढ सकते हैं, सही है। अब मैं कराची में हूँ तो कराची में क्लिक कर दिया मैंने, सही है, ये देखें ये आ गया ब्रांड मैनेजर है डालडा का कराची में, ये सही है, तो अब मैं इसको कनेक्ट कर लूंगा, मुझे अगर काम होगा, ये ब्रांड मैनेजर मतलब ग्राफिक CFO है और ये तो ये वाला है डालडा का सेल्स मैनेजर है, सही है, ये है सारे ये डालडा के अंदर ही है लेकिन अलग अलग जगहों पर पड़े हैं, तो इस तरह से आपको मिलना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली लोग और आपको अपने कनेक्शन ढूंढ सकते हैं इससे, सही है। अब आप कोई भी कंपनी दुनिया की हो, आपको उससे लोग निकालना मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपके लिए, मेरे हिसाब से सही है। अब मैं इसमें और कोई कंपनी बताएं, निजान बैंक आ गया, निजान बैंक आ गया, अब ये देखें यहाँ पर ये ब्रांच मैनेजर हैं, इनसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ निजान बैंक के, सही है, ये रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं चार के, इनसे कनेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे दोस्ती करने में बहुत आसान हो जाएगी, शाजिया मीर हैं ये चार में होती हैं, चले इनसे दोस्ती कर लेते हैं, सही, तो मुश्किल नहीं है, ये फरहान है, ये मेरा दोस्त है ऑलरेडी, डॉक्टर इमरान उस्मानी है, ये बहुत इसका शरिया बोर्ड के वो हैं, ये भी मेरे दोस्त हैं, तो लोग ऐड कर लेते हैं आपको, इतना मुश्किल नहीं होता, सही है, तो वो बस आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा वो शर्म तोड़नी पड़ेगी और आगे खुद से अप्रोच करना पड़ेगा, यही वजह थी, मतलब झिझक थी कि क्या करें, इनको भेजते हैं पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हम इनसे कांटेक्ट कैसे करें, आप भेज तो दें फिर बाकी उनकी मर्जी है वो एक्सेप्ट करते नहीं करते, तो कुछ इतना इशू नहीं होता। अच्छा ये हो गया लिंक्डइन आपका, सही, टाइम भी कम बच, 7 मिनट बचे, 7 मिनट बचे, हम 7 मिनट में थोड़ा और कर सकते हैं, लिंक्डइन समझ में आ गया किसी को कोई इशू लिंक्डइन पे, मुझे अभी तक किसी ने भी रिक्वेस्ट नहीं भेजी, माय नेटवर्क खाली आ रहा है, नो सर मैंने आपका प्रोफाइल विजिट किया है शायद उसमें आ जाओ, नहीं तो मुझे या तो फॉलो करें या कनेक्ट करें, मैंने आपको फॉलो कर चुकी हूं, फॉलोइंग फॉलो नहीं कनेक्ट करें ना, तो फॉलो तो मुझे, अच्छा कनेक्ट करूं, हां जी, तो मैंने क्लिक किया, ये देखें आयशा, ये रही आयशा हसन, ये रही, ये मैंने खोला, सही है, अब ये देखें कनेक्ट आ रहा है, मैंने आपको कनेक्ट कर लिया, आपके पास आ गए, तभी मेरी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है लेकिन मैं बना रही हूँ, हाँ बिल्कुल बनाए, लाइन कनेक्शन है आपके खाली जी, हाँ जी सर, वो अभी ना अक्सर
सर ने कहा था ना कि सर रेहान ने कहा कि आपने इतने कनेक्शन बनाने हैं, तो एक्चुअली ना उन्होंने ये कहा था कि मेरी प्रोफाइल पे जाएं, तो जब मैं उनकी प्रोफाइल पे गई तो उनके जो जो कनेक्शन है वो नजर नहीं आते ना, तो मिस ने मुझे कहा कि आप उनको अलग से मैसेज करेंगी तो वो एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर आप मतलब फिर आपको भी तो वो अभी तक उन्होंने कनेक्ट नहीं किया। अच्छा दूसरा सर, आपने ना एक कल आपने एक बात बताई थी, कल की थी शायद परसों, आपने एक कंपनी का नाम बताया था वेब स्टॉक के नाम से, वेब स्टॉक। हाँ तो वो ना एक्चुअली जब मैं सर्च कर रही थी या तो मुझे स्पेलिंग नहीं आ रहे थे, ये या इंडियन कंपनी है कोई? नहीं नहीं पाकिस्तानी, यावर की है। अच्छा तो आप स्पेलिंग, अगर आपने कहा था लिंक शेयर पे आपने किया नहीं था, तो आपने अगर स्पेलिंग बता दें वेब क्या WEBSTOCK अच्छा वेब स्टॉक, सर मैं वेब स्टॉक कर रही थी। अच्छा की कंपनी कौन सी है? आप एक काम करें, अभी शाम में थोड़ी क्लास होगी, शाम में होगी, शाम वालों से ये सर ये रेप स्टेक है मेरे ख्याल से, ए आता है शायद। हाँ STAK रेप स्टेक ए आता है जी, यावर से मैंने ढूंढ लिया तो यावर से मिल गया रेप स्टेक, ये वाली कंपनी है। सर ये क्या है? ये आपको वर्चुअल असिस्टेंट के लिए ट्रेन करते हैं, ये रहा है सही है, और उसके बाद जो है आपको ये बाहर जॉब लगवा के दे देते हैं $1,000 की। सर इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे हैं? कोई लोकेशन मतलब किस सिटी में है, कहाँ पे? पंजाब में। किस जगह पे आपको कुछ आइडिया होगा? ऑफिस नहीं है इनका, गूगल का ऑफिस कहाँ? ऑनलाइन सही सही है, तो ये आप यहाँ पर हायर पे जाएं। तो ये चार्ज करते हैं जब हमसे कुछ सीखें तो? शायद चार्ज करते हैं, वरना इनका ये नंबर है, इसको व्हाट्सएप पे इनसे रापता कर लें, ये दिया हुआ है, इनसे पूछ लेंगे क्या सिलसिला है। अच्छा मिनट बचे, ओके यहाँ पर आयशा को तो मैंने ऐड कर लिया, बाकी जो भी थैंक यू सर, बल्कि मैंने रिक्वेस्ट भेज दी। अच्छा ये आ गया, लिंक्डइन का कोई इशू, किसी का सवाल, तो फिर हम आगे दूसरे आपको टूल पे देके जाता हूँ। सर समझ में आ गया, अभी प्रोफाइल बना लेंगे ना तो फिर जितने मार्केटिंग मैनेजर हैं, ब्रांड मैनेजर हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, उनको जरूर मैसेज करें। और अभी बल्कि अच्छा याद आया, मैं आयशा अपना पूरा नाम बताएं क्या था, मैंने आपके प्रोफाइल पे एक साहब को देखा था, बहुत मुझे काम के लग रहे थे वो। आयशा हसन, डबल एस सिंगल एस? डबल एस। सर मैंने अभी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी की है, अभी की माय नेटवर्क में ये रही। अच्छा वाई है, मैं AI लिख रहा था, सॉरी। ये साहब देख रहे हैं, वलीद अब्दुल रजाक CEO डिजिटल, ये काम का बंदा है, इसको अगर मैसेज करते हैं तो ये इसके पास जो है कोई ना कोई डिजिटल वर्क हो। अच्छा तो इस तरह के लोग ढूंढने जिसके पास जो है वो कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, ग्राफिक डिजाइनर हो आपके पास, CEO को ऐड करें, ऐसे लोग मार्केटिंग वालों को।
हम इनसे कनेक्ट होते हैं, तो अगर ये हमसे एक्सपीरियंस पूछते हैं तो हम कितना बताएं इनका एक्सपीरियंस। बोले अभी शुरू किया, मेरे सैंपल्स देख लें आप, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बोले मेरे काम के सैंपल्स देखें, अगर आपको समझ नहीं होता तो आप काम करवा लें, 100 को बोलेंगे तो 20 तो आ ही जाएंगे। सही, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा अब यहाँ तक कोई सवाल, ताकि फिर हम अगले उस पे टूल पे जाएं, मैं क्लास भी वो आपको लिंक भी दूसरा भेजता हूँ। सर फेसबुक पे जो ग्रुप्स हैं कैनवा फाइबर के नाम से इस तरह से, तो क्या ये रियल है या ऐसे ही फेक बने हुए हैं जिसपे रियल है? आप अपना काम बेचते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां से काम आता है आपके पास। नहीं काम तो बिल्कुल ही नहीं आता कोई, ये तो सब पोस्ट छोड़ के चले जाते हैं, कोई रिस्पांस इतना खास नहीं होता, और जब रिस्पांस आता भी है तो फिर वो जो है जो लिंक भेजते हैं हम उसको खोलते हैं तो वो बिटकॉइन के वो होते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। देखिए बेसिकली होता ये है कि आपके पास जो है ना वो